हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। नगर विकास विभाग बिहार की तरफ से फ्रेंड्स यहां पर एक नए पोस्ट के लिए भर्ती आई है, जो कि है सहायक टाउन प्लानर, जो कि टाउन प्लानिंग के लिए इसकी वैकेंसी आने वाली है, जिसके कि कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसका विज्ञापन भी जल्द आएगा। तो इसका क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक पूरा। और ये अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो जानिए क्या है फुल नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को। तो चलिए दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप नोटिफिकेशन, नियुक्त होंगे 16 सहायक टाउन प्लानर। इसका यहाँ पर दिया है अपडेट कि प्रदेश में शहरी क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करने के लिए सरकार 15 जो है सहायक टाउन प्लानरों की नियुक्ति करेगी, और इनमें से जो है 6 टाउन प्लानर वो पटना में काम करेंगे, जो कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार नगर क्षेत्र तथा क्षेत्र निवेशन सेवा नियमावली 2019 को स्वीकृति दी गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र निवेशन सेवा नियमावली 19 के तहत सहायक टाउन प्लानर के 16 पद स्वीकृत किए हैं, जो कि शहर के निर्माण की योजना पर कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर और भी बहुत सारा अपडेट है, तो मुझे सिर्फ दिखाना था आपको कि जो सहायक टाउन प्लानर जो आएगा नगर विकास विभाग के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स बहुत जल्द जो है इसका विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो है स्वीकृति मिल चुकी है नियमावली को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसके रिगार्डिंग में जो भी आता है अपडेट तो फ्रेंड्स मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।